चलो आगे बात कर लेते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा रेशो जो होता है ओबीसी वाला बच्चा ही तो सबसे ज्यादा फॉर्म भरता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब उनको उनके पास ओबीसी की भरमार पहले से ही है, तो उन्होंने सोचा जनरल में काउंट करके लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, दिल्ली पुलिस में भर्ती कैसे हुआ जा सकता है। तीन चीजें होती है बस, सबसे आसान भर्ती का तरीका है भाई, एग्जाम है, फिर फिजिकल है, और लास्ट में मेडिकल है। तीन स्टेप्स है बस, दो कट ऑफ लगती है, एक फिजिकल की लगेगी, एक फाइनल कट ऑफ लगेगी, बस दो ही कट ऑफ लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं एक मेडिकल से पहले एक मेडिकल, नहीं, दो ही फाइनल। कुछ बच्चों को यहाँ मीटिंग में रख लिया जाता है बस, क्योंकि इनको पता मेडिकल में कोई फेल होता नहीं। जितने भी वैकेंसी है मान लीजिए 7000 है, 7700, कितनी वैकेंसी इस बार 7547, तो इनका 10% कितने होंगे, 754, ये बच्चे मीटिंग में चले जाएंगे, इनका मीटिंग में आ जाएगा। अब जो बच्चे मेडिकल में फेल होंगे इनमें से ले लिया जाता है, ठीक है, 10% बच्चों में से, ये भी कैटेगरी वाइज होते हैं, जिस कैटेगरी में फेल हुआ उसका ले लिया। तो अब ये वेटिंग में किसको लेंगे, जिसके वेटिंग में भी ज्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है, ज्यादा एज होगी, कम एज वाले को नहीं लेते, ज्यादा एज होगी तो बड़ा नंबर, ज्यादा एज किसके पर वो देखते हैं, फिर उसको उठा के ले आते हैं, ठीक है, ये एक तरीका है। अब बच्चों क्योंकि ये मानते हैं कम एज वाले को तो मौके और भी मिल जाएंगे, ज्यादा एज वाले को मौका नहीं मिलता, तो कम एज वाला तो आगे भी भर्ती देख लेगा, इसलिए ज्यादा एज वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, बराबर नंबर पर। इसका लॉजिक समझ में आ गया। अब 12 गुने की बात कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर एग्जाम कितने बैठेंगे, बहुत सारे बैठेंगे, 28 लाख फॉर्म भरेंगे, 14 लाख बच्चे एग्जाम में, कम से कम पिछले रिकॉर्ड बता रहा हूँ, तो इस बार तो बढ़ेंगे ही, 16 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, मैंने मान लिया 16 लाख। अब हम वीडियो बना रहे हैं भाई, और बच्चा बहुत ज्यादा आ रहा है पहले के मुकाबले, तो थोड़ा कंपटीशन तो बढ़ ही जाता है, आपको भी मालूम है, तो भाई पढ़ाते भी अच्छा है, उससे भी और बहुत कंपटीशन बढ़ता है, तो 16 लाख बच्चा की जगह हो सकता है 17 भी बैठ जाए, उन 16 लाख में से 12 गुना वैकेंसी का पास किए जाएंगे, यानी आप अगर इसको मैं देखूं तो ये करीब 90,000 बच्चा बैठेगा, इसका 12 गुना कर लो तो 90,000 बच्चा 16 लाख में से फिजिकल के लिए लिया जाता है, जो पहली कट ऑफ जाती है इतनी कम जाती है, ठीक है, कम जाएगी, बहुत कम कम का अंतर। सोचिए पिछली बार फाइनल कट ऑफ 8-9 नंबर बढ़ गई थी, यानी अगर पिछली बार 68 में गई तो ओबीसी का 58 नंबर पे 59 नंबर पे आ गया था, 59 वाले का फिजिकल के लिए चयन हो गया था ओबीसी वाले में, ऐसे जनरल वाले का 62 पे चयन हो गया था फिजिकल के लिए लड़के का, और लड़कियों का तो 50 से नीचे, सबका ही लगभग 50 से नीचे चयन हो गया था फिजिकल के लिए, फिर फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बताई थी। तो ये 90,000 बच्चों को यहाँ पास किया जाएगा, फिर 90,000 में से जो फिजिकल मार देते हैं, फिजिकल कितने मार देते हैं सर, इसमें जो फिजिकल में पास हो जाएंगे, मेरे अनुमान ये कहता है करीब 15,000 से 20,000 के बीच बच्चा फिजिकल मार देता है, 15,000 से 20,000 के बीच फिजिकल मार, फिजिकल भी हार्ड है, लॉन्ग जंप में काफी फेल होते हैं, हाई जंप में काफी फेल होते हैं, लॉन्ग और हाई भी बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। फिर मेडिकल में उतना जितनी वैकेंसी उतना ही, और फिर बाकी को वेटिंग में रख देते हैं, वेटिंग में से फिर लेते रहते हैं।